लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और तुम कौन सा रुई बेच कर आए हो? वो रेफ्यूजी को ही तो भेजा उन बिहारी मुसलमानों के साथ। ये पैसे मैं रख लेता हूँ। बकुमत, फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सोच लो अब्बू, तुम चाहते हो ना तुम्हारा चहीता रेफ्यूजी खैर खैरियत से वापस आ जाए। बोलना चाहता है तू? कुछ नहीं, बस वो बीएसएफ का खबरी फखरू मिला था मुझे। पूछ रहा था तुम्हारा भाई कब जाने वाला है, क्या क्या साथ ले जाने वाला है। कहो तो बता दूं उसे। फ्यूजी के बारे में फखरू को बताया तो जिंदा दफना दूंगा। तुम भी बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो, दे दो ना, पैसे ही तो है। ताकि जुए में उड़ा दे, जुए की लत पड़ गई हरामजादे को। बच्चा है, ना समझे, वक्त के साथ सुधर जाएगा, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। बिगाड़ लो, जी भर के बिगाड़ लो, लेकिन एक दिन पछताओगी। आज मेरी गर्दन पर नाखून रख रहा है, कल किसी बाहर वाले की गर्दन पर नाखून रखेगा। हराम मुंह लग जाएगा तो गुनाहों के दलदल में धंसता चला जाएगा। खबरदार जो मेरे बच्चे के खिलाफ एक लफ्ज कहा। तुम्हारा बच्चा है तो मेरा दुश्मन है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है मुझे। नहीं है, लेकिन हो जाएगा। आज अकल का दुश्मन है, कल हमारा भी हो जाएगा। पिलर के आगे पाकिस्तान की सरजमीं शुरू होती है। सूरज निकलने से पहले हमें अपना सफर तय करना होगा। या खुदा। बेटा, आप लोग जाओ, मुझे यही छोड़ दो। मैं अब और आगे नहीं चल सकती। इस लाश को कहां तक ढोते फिरोगे बच्चा? तुम लोग जाओ। ऐसा मत कहो अम्मा, वरना मैं रो दूंगी। रोने से आपकी मुश्किल हल नहीं होगी, बढ़ जाएगी। अम्मा को बहुत तेज बुखार है, एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगी। इधर थोड़ी देर। नहीं, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। मैंने अपने कंधों पे उठा लेता हूँ। सवेरा हो गया है, यहीं छुप जाते हैं। अम्मी की वजह से सूरज उगने से पहले हम लोग पहुंच नहीं पाए। छुप जाओ। अम्मा तो ठीक है ना? ठीक है, सब लोग दुबक के बैठे रहो, दिन निकल आया है। आगे जाने के लिए सूरज ढलने का इंतजार करना होगा। सारा दिन यहाँ? जी, सामने पाकिस्तानी फौज की चौकी है। मंजिल चार कदम पे है और हम सब दुबके बैठे हुए हैं। थोड़ा पानी पिलाओ ना। ओह, तब तो हम सब शाम तक प्यासे मर जाएंगे। चुपचाप बैठे रहो, पाकिस्तानी रेंजर तुम्हारी जैसे लोगों की ताक में रहते हैं। क्या कह रहे हो तुम? वो लोग मुझे रोकेंगे, मुझे मारेंगे? अरे वो सब हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं। यही तो हमारे ख्वाबों की मंजिल है। अस्कर अली, रुक जा।
कोई आ रहा है। मैं हूं एडगर अली। कोई आवाज नहीं करेगा नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। हमें यहां से निकलना होगा। सलाम साहब। सलाम। लगता है साहब ये रेफ्यूजी थे जो हमारे वतन में घुस रहे थे। वहाँ पर कुछ और लोगों के भी पैरों के निशान थे जो घुसपैठिए थे और जो भागने में कामयाब हो गए। कल बॉर्डर के पास वाले हर गांव में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करना होगा। हर घर की तलाशी लेनी होगी। ये रहा आपका पाकिस्तान। अब हम चाचा के आ जाएंगे। अम्मा आ गया पाकिस्तान। सलाम वालेकुम चाचा। जीते रहो बेटा। सलाम वालेकुम। आदाब। आओ। मैं देखता हूँ। सर, गो देयर। यस सर। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? अता मोहम्मद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम रास्ता भूलकर कहीं नहीं जाते। पक्का पता मालूम करके ही निकलते हैं। आज सुबह ही कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारे गए। ये लोग कौन है? इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। नकाब हटाइए प्लीज। नकाब उठाओ। साहब, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मंजूर अहमद। आदाब। अपनी फैमिली और बच्ची के साथ आए हैं, बच्ची के रिश्ते के लिए। मंजूर अहमद मियां, कहाँ से आ रहे हैं आप? टंडे आदम से। टंडे आदम से आए हैं आप लोग? इतनी दूर से दूल्हे की तलाश में, और वो भी इनके लिए। इन्हें तो कोई भी कबूल कर लेता। हाँ, जो इनके काबिल हो, ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए आप लोगों को बहुत दूर जाना पड़ेगा। आप ही थी जो शायद मेरी बातें सुनकर रोती थी। मरने वाले आपके क्या लगते थे? कुछ भी नहीं। हैं? कुछ भी नहीं? नहीं। आपका कसूर नहीं है मोहतरमा। इंसान इतना घटिया जानवर है कि वक्त पड़ने पर खुदा की जात से भी इनकार करते हैं। तुम्हें
पहले भी कहीं देखा है मैंने। मेरा भतीजा साहब? जरूर देखा होगा साहब, मुझे नहीं तो मेरे जैसे किसी और को देखा होगा। 2 रुपए दर्जन बिकते मेरे जैसे लोग, गली गली पड़े हैं। बातें तो अच्छी बना लेते हो तुम, कोई कागज पत्तर है तुम्हारे पास जो तुम्हारी पहचान दे सके? कमाल है साहब, आप एक कागज के टुकड़े पर विश्वास कर लेंगे, पर आपके सामने ये जो 6 फुट का आदमी खड़ा है उस पर यकीन नहीं करेंगे। देखो, फौजी का एक हाथ पड़ा ना तो 6 फुट का आदमी 1.5 फुट का होकर रह जाता है। आप तो बड़े अफसर हैं साहब, सरकार आपकी जरूर सुनती होगी। सरकार से कहिए ना ऐसा कानून बनाए जिससे छोटे लोग बड़े हो जाएं, बड़े छोटे नहीं। जो तुम दिखते हो वो तुम हो नहीं। अंदर कौन है? बड़ी अम्मा है साहब, बीमार है, थोड़ा चनाया सो गई। आप उन्हें कच्चीनी से जगाना चाहेंगे? जी नहीं, लेकिन तुमसे दोबारा मिलना जरूर चाहेंगे। चलो। कफन दफन का बंदोबस्त करना होगा। कौन चला गया? आपकी माँ। अम्मा को दफना आए? बेटे, ये तो बता दो वो कौन सा वक्त था जब अम्मा हमें छोड़कर चली गई? हादसे के बाद जब मैंने उन्हें उठाया तो अम्मा की रूह जा चुकी थी। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने इसलिए नहीं बताया कि सफर और भी मुश्किल हो जाता। गम और थकान का मेल जानलेवा होता है। और तुम इतनी दूर से अम्मा को, मेरा मतलब अम्मा की लाश को उठा ले आए, जबकि तुम्हारा हम लोगों के साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। रिश्ता तो है, जो एक इंसान का इंसान से होता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत मियां खै? क्या बात है भाई, डंडा दिखा रहा है आज, बैठ जाते हैं। अल्लाह के फजल व करम से सफर खुशगवार गुजरा होगा। लगता है जनाब मूड में नहीं है। अरे हाँ, मैंने उस हादसे के बारे में सुना जहाँ वो रिफ्यूजी मारे गए, बेहद अफसोस हुआ जनाब, बेहद अफसोस हुआ। काम क्या बात है मियाँ, हमेशा बड़ी जल्दी में रहते हो, कभी तो फुर्सत में उस तरफ की 2-4 बातें तो बताया करो। अरे हाँ, मैंने सुना है लता मंगेशकर ने नया कैसेट निकाला है, अगली बार जरा लेते हैं ना। इस पार्सल में क्या है? सफेद पाउडर, कीड़े मारने की दवा है। और इस पार्सल को उस तरफ पहुंचाने की कीमत? वजन के बराबर कीमत भी मिल जाएगी जनाब। जान मोहम्मद हिसाब किताब में? पक्का है, जानते हैं हम, जानते हैं। इस बात का ख्याल रहे। अरे ठीक है भैया, फिर हम निकल लेते हैं।